स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सोलर सिस्टम, द सन, एट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स फॉर्म्स आर सोलर सिस्टम. यानी कि जो सन है, एट प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट है और जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, ये मिल करके हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं. सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी कहते हैं और इसमें जो सन है वो हमारी सोलर फैमिली का हेड है. यू नो स्टूडेंट्स, की ये जो सोलर वर्ड है वो रोमन माइथोलॉजी से आया है. सोल वर्ड का जो मीन्स है वो है सन गॉड, इसी से सोलर वर्ड बना है, यानी कि रिलेटेड टू द सन. तो सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे सोलर फैमिली में रखा गया है. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जो सन है वो सोलर सिस्टम का हेड है और जो सन है वो द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, कि ये जो सेंटर है सोलर सिस्टम का और ये बहुत बड़ा है और ये बहुत सारी हॉट गैसेस का बना हुआ है. और ये जो सन है ये क्या है कि इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, कि ये एक ऐसा खिंचाव बल हमें प्रोवाइड कराता है कि जो सोलर सिस्टम को बांधे रखता है. यानी कि जो भी सोलर सिस्टम में जो चीज़ें हैं उसको उनकी स्थिति पर बनाए रखता है. ये अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का और इससे जो हमें बहुत ज़्यादा जो हीट मिलती है उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, जबकि जो सन है वो अपना नियरेस्ट स्टार है लेकिन फिर भी हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है. स्टूडेंट्स, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सन के 8 प्लैनेट्स हैं और अगर हम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम उनका सीक्वेंस देखें तो मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के. स्टूडेंट्स, जैसा आप क्लास 5 में भी पढ़ चुके हो कि जो मरकरी है वो नियरेस्ट प्लैनेट है सन का और जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है और नेपच्यून है वो फार्थेस्ट प्लैनेट है और विनस को अर्थ की सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि जो विनस है वो अपने साइज और शेप में लगभग सिमिलर सा है अर्थ के, इसलिए. और जो मरकरी है वो अपना 88 डेज में अपनी ऑर्बिट में अपना एक जो राउंड है सन के चारों ओर वो कंप्लीट करता है. और जो ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये मूव करते हैं अराउंड द सन इन फिक्स पाथ्स, यानी कि अपने फिक्स पाथ्स पे ये मूव करते हैं और इन फिक्स पाथ्स को ऑर्बिट्स कहा जाता है. 8 प्लैनेट्स हैं हमारे. जो ये 8 प्लैनेट्स हैं इनको हम इजी वे में मेमोराइज कर सकते हैं उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस की हेल्प से. माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में माय का जो एम है वो मरकरी, वेरी का वी विनस, एफिशिएंट का ई अर्थ, मदर का एम मार्स, जस्ट का जे जुपिटर, सर्व्ड का एस सैटर्न, अस का यू यूरेनस एंड नट्स का एन नेपच्यून को शो करता है. स्टूडेंट्स, अगर हम सोलर सिस्टम की पिक्चर देखते हैं तो उसमें है, आप देख रहे होंगे कि जो मार्स और जुपिटर है उनके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जा रही है. एस्टेरॉयड बेल्ट है जो वो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को डिवाइड करती है. जो इनर प्लैनेट्स हैं उसमें मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स प्लैनेट्स आते हैं जो सन के क्लोज होते हैं और ये रॉक्स के बने होते हैं. इसी तरह से जो आउटर प्लैनेट्स हैं उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं. ये गैसेस और लिक्विड्स के बने होते हैं और ये सन से दूर होते हैं. स्टूडेंट्स, आपने कहीं पहले सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो प्लूटो है वो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट था. 2006 अगस्त में मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि जो प्लूटो है उसे सोलर सिस्टम से अलग रखा जाएगा और उसे ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया. इसी के साथ ही कुछ और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स थे जैसे सीरियस 2003, UB 313, इनको भी ड्वार्फ प्लैनेट्स का नाम दिया गया.
स्टूडेंट्स, जियोग्राफी वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है, जियो एंड ग्राफिया. जियो मीनिंग अर्थ, ग्राफिया मीन्स राइटिंग. इसी तरह से जियोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोइड रिजेम्बलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ. स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ. एज यू नो, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. According to size, it is the fifth largest planet. और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी कि पोल्स से ये थोड़ा चपटा होता है और इसी की वजह से इसकी जो शेप है उसे जियोइड कहा गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रबर की बॉल लेते हैं और उसे जब हम अपने थंब और एक फिंगर के बीच में जब उसे प्रेस करते हैं, जो प्रेस किए हुए पॉइंट्स हैं वो पोल्स हैं. इस तरह से जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो अर्थ की स्ट्रक्चर के समान होती है. जैसा कि आप सब जानते हो कि जो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ के ऊपर वो सारी फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं जो हमारी लाइफ के लिए चाहिए. जैसे कि ना तो ये ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पर वाटर है, एयर है, एयर में ऑक्सीजन है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे सर्वाइवल के लिए असेंशियल हैं. इसी वजह से अर्थ को सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट कहा जाता है. यूनिक प्लैनेट मीन्स कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो. अर्थ को अगर हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो अर्थ का 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. डू यू नो स्टूडेंट्स की सनलाइट की जो स्पीड है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है और उसे अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं. अब अर्थ के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मून. चलो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को मून की सरफेस पे अपना पहला स्टेप रखा. स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है उसका एक ही सैटेलाइट है और वो है मून. सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स. कि जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं, और जिस तरह से प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं. अगर हम मून के साइज़ की बात करते हैं तो जो मून का डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का 1/4 है, यानी कि अर्थ के डायामीटर का 1/4 है. यह बड़ा दिखाई देता है क्योंकि दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरेटिवली ये अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है. इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, वाइल सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. स्टूडेंट्स, मून अपना जो अर्थ के चारों ओर एक चक्कर है वो 27 डेज में कंप्लीट करता है, और इसी तरह से ही वो अपना एक स्पिन पूरा करने में भी 27 डेज ही लेता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हम मून की एक ही साइड देख पाते हैं दूसरी साइड को नहीं देख पाते. यानी मून का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड है वो सेम है. स्टूडेंट्स, मून पर ना तो एयर है और ना ही वाटर है, इस वजह से वहाँ पर लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है. मून पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं उसके सरफेस में, यानी कि गड्ढे हैं जो मून की सरफेस पे शैडोज़ बनाते हैं, और इन शैडोज़ को हम फुल मून डे के दिन देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले बात की कि जो मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है, जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. इसी तरह से ही ह्यूमंस के द्वारा जो सैटेलाइट्स बनाए गए उसे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है. साइंटिस्ट्स ने इन सैटेलाइट्स को यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए बनाया. इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है और अर्थ की ऑर्बिट में इनको स्थापित किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, न्यूमरस टाइनी बॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम दैट मूव अराउंड द सन. दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. ये एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर
के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं, और जो हमारा सबसे लार्जेस्ट जो एस्टेरॉयड है वो सेरेस है। और साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि जो एस्टेरॉयड्स हैं वो प्लैनेट के ही पार्ट्स हैं जो बहुत साल पहले प्लैनेट्स के टूटने से बने हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीटियोराइट्स यानी कि उल्कापिंड। मीटियोराइट्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं। कभी कभी जो ये मीटियोराइट्स होते हैं ये अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं, और कभी कभी ये वहाँ पर गिर भी जाते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एयर से फ्रिक्शन करते हैं, यानी कि घर्षण होता है इनका, टकराते हैं और ये गर्म हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं और अपने पीछे एक लाइट छोड़ते हैं। और कई बार तो ये पूरी तरह से जल जाते हैं और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पर एक हॉलो यानी कि गड्ढा बना देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी रात को क्लियर स्टारी नाइट देखी हो जिसमें हमें एक ग्लो करता हुआ ब्रॉड बैंड यानी कि एक वाइट पट्टी सी दिखाई देती है और जिस पर हमें मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर दिखाई देता है यानी कि झुंड दिखाई देता है तारों का। जो ये बैंड हमें दिखाई देता है ये क्या हमारे मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि हमारी आकाश गंगा है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का ही पार्ट है। पुराने समय में ऐसा इमेजिन किया जाता था कि रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई यानी कि जो प्रकाश की नदी है वो आसमान में बह रही है, इसीलिए ही जो हमारी गैलेक्सी है उसको आकाशगंगा नाम दिया गया। जो गैलेक्सी है ये क्या है, सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, यानी कि ये बहुत बड़ा ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे स्टार्स हैं और डस्ट के क्लाउड्स हैं और गैसेस हैं। ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिनसे मिलकर के हमारा यूनिवर्स बना है, और इस बात को इमेजिन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। साइंटिस्ट इसके बारे में और जानकारी लेने की अभी तक कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी जो हमारा यूनिवर्स है उसके साइज़ के बारे में हम कुछ सुनिश्चित नहीं कह सकते कि ये कितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि आप, मैं, हम सभी इस यूनिवर्स से संबंधित हैं। अगर हम अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये यूनिवर्स में है। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है।